वेलकम टू कबीर वाणी नितेश तवानी। हाउ आर यू? ऑल गुड। कैसे सब लाइफ एंड वर्क? ऑसम। आप कैसे हैं? बस वंडरफुल यार। सो कीमती हितेश, यस, काफी यूनिक है और आप काफी लोगों को आपने आपसे कीमती हितेश के साथ इंट्रोड्यूस कराते हो, क्यों ऐसा? क्योंकि हमने जो जर्नी स्टार्ट की है कीमती कागज की, जो इट सेल्फ के कागज को कीमती बनाते हैं, तो हम जब भी, जैसे कि हमारी पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम कीमती मोनिका, कीमती दिव्या के नाम से स्टार्ट होती है, सो दैट्स व्हाई कीमती हितेश। और हमारे सारे क्लाइंट्स और सारे इन्वेस्टर्स भी कीमती है। कीमती है वो तो आई थिंक एवरीवन शुड हैव कि हमारे सारे क्लाइंट्स कीमती होने चाहिए। बट देन कीमती कागज जो कंपनी का नेम है, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि आपने क्यों ये नाम कीमती कागज रखा और क्या थॉट प्रोसेस था फॉर द टू स्टार्ट ऑफ द जर्नी की कीमती कागज की? सो मैं आपको बताऊँ कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। हम लोग ने भी सोचा नहीं था कि कीमती कागज करके हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 से, जब हमारे पास एक फिजिकल शेयर्स की इंक्वायरी रहती थी। 2014 से लेकर 17 तक हम लोग ने बहुत सारे फिजिकल शेयर्स काम किए, क्लाइंट को ऐसी हेल्प किया था। तो 17 में जो केस आया था वो डिफिकल्ट था, जो हमको एक साल बाद रियलाइज हुआ कि डिफिकल्ट है। और जो सॉल्व हुआ जनवरी 2020 में, जनवरी फरवरी 2020 के आसपास, और तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये चीज डिफिकल्ट है और लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। सो लेट्स कीप थिंग्स इन दिस थिंग, इसमें हम कुछ मेहनत करते हैं। जस्ट एक महीने बाद ही कोविड लग गया। सो हमारे पास काफी अच्छा टाइम था, हमने उन टाइम को यूटिलाइज किया एंड देन फाइंड आउट किया कि ये कितने सारे लोग हैं जिसका फिजिकल शेयर्स है और उनको नहीं पता, उनको आइडिया नहीं है। सो देन वी स्टार्ट स्प्रेडिंग। हम लोग ने मुंबई में कुछ 2000 घर विजिट किए एंड देन वी रियलाइज कि यार जो लोग के पास हम लोग रीच आउट कर रहे हैं वो आज के डेट में वहां पर रहते ही नहीं है। ऑलरेडी उनके जो फैमिलीज है ऑलरेडी 2 से 3 घर चेंज कर चुके हैं, तो वो एड्रेस पे, वो कम्युनिकेशन पे अगर कंपनी भी अगर रीच आउट करेगी तो भी उनको रीच आउट नहीं था, कुछ भी कम्युनिकेशन, डिविडेंड, वॉरेंट्स, एनीथिंग। देन वी थॉट कि रादर देन रीचिंग टू पीपल, लोगों तक पहुंचे, उससे अच्छा बेटर है कि लोग हम तक पहुंचे। एंड देन ये आइडिया आया कि कीमती कागज नाम का एक प्लेटफॉर्म प्रेफर कर दें, जहाँ पे लोग आके फाइंड आउट करें, आप अपनी फैमिली का नाम, एड्रेस, एटलीस्ट फैमिली की सरनेम जो आप प्रेफर करते हो वो आप डाल के सर्च करोगे, आपको फिजिकल शेयर आपके फैमिली में किसके नाम पे रहेंगे आपको डेफिनेटली मिलेगी। दैट्स कीमती कागज स्टार्टेड। ग्रेट। सो व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस सर्विस? आई मीन व्हाट इज योर बैकग्राउंड? लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज योर बैकग्राउंड। सो आई कम फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन 2010, वांटेड टू बी इन स्टॉक मार्केट ओनली, लाइक वो पैशन था। सो I'd given an interviews from Churchgate to Borivali, every stock broking, just to get me a chance ke bhai mujhe bhi, I want to be in this market. But everywhere I got rejected. Okay. So in turn tell I got a chance jahan pe maine kaam kiya and then by God grace I got a opportunity to maine apna job drop out kiya and we started our financial services. So from 14 to 17 we have done lot of work in physical shares, we have helped lot of people also, and rest is the journey ki fir these things hamare paas samne aaye ki bhai ye problem hai, logo ke paas awareness nahi hai aur nobody has touched this kind of area. ye jagah pe kisne touch nahi kiya tha. So we thought ki isko help kar sakte hain, explore kar sakte hain, par yaar kisi ko dene mein jo maza hai na wo alag hai. Okay, so this is the reason you got into this service. Yes. Okay, and as a background, aap as a stock broker. Yes. Okay, and you studied finance and you been in finance. Yes. Something that you really truly enjoy all the time. Yes. So I'm come from the commerce background. Oh, okay. So obviously numbers commerce mein rehte hai. So finance is the core, equity is the growth. I must say ke humko parents ne na usually bolte ke सेविंग्स करो, सेविंग्स करो। सो आई टेल यू कि फिजिकल शेयर्स मार्केट में ना 60% ऑफ दोज पीपल जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। ओके। बिकॉज इन्वेस्टिंग ना हमको कल्चर थ्रू आती है। मैं आपको बोलूंगा आप इन्वेस्टिंग करो, आप बोलोगे ठीक है, बट आपके पेरेंट्स जब आपको देखते कि वो इन्वेस्टिंग करें आप उनको फॉलो करते हो। सो आई मस्ट सी कि 60% ऑफ पीपल की जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं बट उनको पता नहीं। ओके। सो 60% ऑफ द पीपल हु हैव फिजिकल शेयर्स वो एक्टिव इन्वेस्टर्स है। यस। तो यानी उनके जो ऑलरेडी एक्टिविटी चालू है, बट हाउ वुड दैट वर्क ना, बिकॉज़ दे वुड ऑलरेडी नो कि भाई हमारे पास फिजिकल शेयर्स है, ठीक है, वो इतने एक्टिव है।
फिजिकल शेयर उनके पास है, जिसलिए हम लोग बोलते हैं ना खोया हुआ इंसान तो नहीं ला सकता, बट खोए हुए शेयर जरूर लाते हैं। तो खोए हुए शेयर आप जैसे आपके घर में पोटली रख दी है, आपको पता नहीं है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो बट आपको पता नहीं कि आपके पास कबोर्ड में फिजिकल शेयर है। सो इस दिवाली में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस दिवाली आपके घर की साफ सफाई में अगर कुछ कागज मिलते हैं तो कागज कीमती हो सकते हैं और कीमती कागज को दे सकते हैं। तो इस दिवाली सारी पोटलियां खुलनी चाहिए, आपको आपके माँ बाप के अगेंस्ट जाके वो पोटलियां खोलनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके माता पिता ने उसके अंदर कई सारे खजाने छुपा के रखे होंगे, शायद उनको भी याद नहीं होगा, बट वो चीज पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए एक जायदाद आ सकती है, आपके पास नेवर थॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आ सकता है। बिकॉज जो फिजिकल हम फिजिकल शेयर्स की अभी अगर बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट सेवरल इयर्स डाउन द लाइन, बिकॉज हम तो काफी, मुझे ध्यान है तब तक डिजिटल तो हम काफी है, ऑलरेडी काफी सालों से हम डिजिटल है, सो मे बी टू डेकेड्स एटलीस्ट। 1994-1995 के आसपास से डिजिटल मार्केट मार्केट आ चुका था। ओके, तो यानी पॉसिबिलिटी है कि उसके पहले से फिजिकल शेयर्स होंगे। सो जस्ट इमेजिन कि हो सकता है कि वो टाइम का फिजिकल शेयर आज तक पड़ा हुआ है, सो दैट मे बी 50,000-1 lakh रुपीज हो सकता है वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो दैट कुड बी करोड़ ऑफ रुपीज ना। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। सो आपके पास करोड़ों वेट कर रहे हैं, क्या चीज का आप वेट कर रहे हो? सो दैट्स डेफिनेटली ग्रेट। या यू नो, आर यू हाउ think this finance system is going to go ahead now, you know, because of course physical shares eventually is going to drop out. Aap inshallah jo 50 lakh log hain tak aap pahunch sakoge, unko help kar sakoge, what do you think how the finance system is going ahead now, like the stock market is there, how is it according to that? See, ye jitne bhi logon ke paas physical shares rahenge aur jab bhi unko demand mein aayega, definitely ye unke financials ko strong karega. Okay, they got another opportunity कि आप ये मनी को ग्रो और फर्दर कर सकते हो। जी, आई एम फर्म बिलीवर कि पेशेंस इज द की। ओके, तो अल्टीमेटली जब आपको ये चीज मिलती है, आपको एक पर्सनल फीलिंग रहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से ये चीज मिली है, आप डेफिनेटली उसको लूज करना नहीं चाहते, उसको ग्रो करना ही चाहोगे, तो और ये काफी नेकी का काम रहेगा। जी, आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाई कीमती कागज, बिकॉज डेफिनेटली फिजिकल शेयर्स आर कीमती कागज, डेफिनेटली, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके लिए जायदाद छोड़ के गए, एंड स्पेशली हु आर लुकिंग फॉर मे बी माइट बी स्ट्रगलिंग इन लाइफ फाइनेंशियली, उनके लिए तो ये डेफिनेटली कीमती है। एंड यू मेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप जाकर सर्च कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड समवन फ्रॉम योर पास्ट हु मे हैव लेफ्ट दैट, बट कितने लोगों ने एक्चुअली ये किया हुआ है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली डन दिस, कितने लोगों के पास हुआ है फिजिकल शेयर्स? ओके, सो जो हमारे पास डेटाबेस जो हम लोग ने वेबसाइट पर रखा हुआ है उसमें करीबन 10 lakh लोग हैं जिसके पास फिजिकल शेयर है। जैसे हम लोग ने ऑब्जर्व किया है तो मैं मान के चलता हूँ एटलीस्ट 25-50 lakh लोग रहेंगे जिसके पास अभी भी फिजिकल शेयर है पर उनको नहीं आइडिया, उनका अवेयरनेस भी नहीं है ना उनको पता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, और ये उन्होंने आपका भविष्य अच्छा बने वो इंटेंशन से किया था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी एक फर्ज बनती है कि अगर मेरे पास कुछ चीज है तो मैं पब्लिकली अवेलेबल रखूं और लोग वो चीज का बेनिफिट उठा सकें। बट इजंट दैट ऑलरेडी कि खत्म हो गया है ये फिजिकल शेयर्स, अगर आपके पास है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उसका? नहीं, डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, और फिजिकल शेयर्स की लाइफ अभी भी है। December 2025 इज द लास्ट डेट, आफ्टर दैट ऑब्वियसली रह सकता है बट प्रोसेस तब तक एटलीस्ट इजी है। इजी, December 2025 के बाद वो चीज बेनामी ट्रांसफर एक्ट में चली जाएगी। ओके, जहां से अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको अगेन लॉयर अपॉइंट करना होगा, कोर्ट में आना होगा, कोर्ट से अप्रूवल लेना होगा, एंड देन प्रोसेस करना होगा। सो प्रोसेस थोड़ा और एक स्टेप एडवांस हो जाएगा, टफर हो जाएगा। अच्छा, ओके, बट देन एज ऑफ राइट नाउ हाउ इज द प्रोसेस, सिंपल है? नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। सपोज कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिसके नाम पे फिजिकल शेयर्स है, वो डिसीज है, होल्डर अलाइव नहीं है, तो प्रोसेस डिफरेंट है। 99% और 95% आप मान के चलो कि लोगों के एड्रेस चेंज हुए रहते हैं। तो जो केस में अगर एड्रेस चेंज हुए रहते हैं तो उसमें आपके डिविडेंड कंपनी आपको हर साल इशू करती है, अगर वो डिविडेंड नहीं मिलता है 7 consecutive years तो आपके डिविडेंड्स और शेयर्स दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, और गवर्नमेंट से पास आपको लाना है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास अगर कुछ चीज लानी है तो कितनी डिफिकल्ट होती है। उसको आप किस तरीके से सिंपल कर देते हो? जैसे अगर अभी मेरे पास है, मुझे शायद
स्टॉक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है। मुझे अचानक में पता चला कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने एक्स अमाउंट ऑफ मनी मेरे लिए जायदाद में छोड़ के गए, या फिर यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड एंड फॉरगॉट टू टेल मी व्हाट व्हाट फॉरगॉट टू टेल माय पेरेंट्स व्हाटएवर कुड बी द रीजन। तो ये चीज को जो प्रोसेस है अभी, बिकॉज माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे लॉन्ग टाइम बैक, माय डैड पास्ड अवे लॉन्ग टाइम बैक, सो मेरे को तो पता ही नहीं था। तो इसका जो प्रोसेस आप किस हिसाब से आसान कर देते हो, और मेरे को कितना, मेरे लिए ये प्रोसेस कितना ईजी है? आपके लिए प्रोसेस ईजी है रिज्यूमिंग, हम सारी चीज जो पेपर वर्क होता है सारी चीज हम टेक केयर करते हैं। ओके, तो जिनके नाम पे क्लेमेंट है, जो जिसी के नाम पे भी जाने वाला है, उसको यूजुअली सिर्फ सिग्नेचर करनी होती है, सारा पेपर वर्क हम करके देते हैं, उनको सिर्फ रिट आउट करना होता है, उनकी सबसे बराबर जा रहा है वो चीज देखनी होती है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क वैसे हम सारे अरेंज करते हैं। पहले तो हम लोग लीगल हायर कौन है वो आइडेंटिफाई करना होता है, सो देट विल गो डिपेंड अपॉन योर फैमिली ट्री। तो मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम पे है और दादाजी अलाइव है, तो दादाजी के बाद स्पाउस तो दादाजी रहते हैं, तो दादाजी के नाम पे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। दादाजी विलिंगली एनओसी देती है कि भाई नहीं मेरे बड़े बेटे के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो आप उनके नाम पे जा सकते हो। तो डिपेंड अपॉन योर फैमिली ट्री हायरार्की, वो हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो लाइक इफ आई फाउंड इट बट स्टिल देन इट हैज टू गो टू समवन हु इज ऑफ एल्डर लेवल। यस यस यस, ओके, फेयर एनफ। व्हाट इज द रिवॉर्डिंग पॉइंट ऑफ योर वर्क, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो काफी नेकी का काम, बिकॉज यूजुअली लोग जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, आप यहाँ आप पैसे बांट रहे हो, सो व्हाट इज द फीलिंग फॉर दैट, एंड व्हाट्स द, एक ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास जो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे मन के बहुत करीब है? जो हम काम कर रहे हैं वो फीलिंग ऑफ जॉय, जो फीलिंग ऑफ गिविंग है, कि किसी को दे के किसी का भला करना बहुत सुकून का काम लगता है। सो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज है, एक स्टोरीज में आपको अगर शेयर करूँ तो हम लोग ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, सो ऑन अ लिंक्डइन थ्रू सम पर्सन विजिटेड वेबसाइट, उन्होंने अपने फादर का नाम डाल के फाइंड आउट किया, अमाउंट वॉज वेरी ह्यूज, ठीक है, वेरी ह्यूज। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज लगी कि ये स्कैम है और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उन्होंने बाई मेल कम्युनिकेशन किया, हम लोग ने बोला कि यस इट इज राइट, आपने जो चीज देखी है वो सही है और ये फिजिकल शेयर्स का ही चीज है। उन्होंने वो मोटरोला कंपनी में इंजीनियर थे यूएस में, वहां पे वर्कआउट करते थे, उसने अपनी फैमिली को बोला जो इंडिया में रहते गुजरात से, फैमिली को रीच आउट किया, फैमिली ने हमें रीच आउट किया, वेरीफाई किया कि भाई चीज हाई टेक नहीं है, कॉल कम्युनिकेशन करके, बिकॉज आपको भरोसा तभी पड़ता जब आप बात करते हो या फिर मिलते हो। देन हम लोग ने वो पर्टिकुलर चीज पे आगे रिसर्च करना चालू किया। आफ्टर सर्ट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने बोला कि ये आपके फिजिकल शेयर्स थे जो आपके फादर ने 2017 में डिमांड कर दिए थे और ये पर्टिकुलर डिमांड अकाउंट में वो ट्रांसफर हुए। सो बोले कि ठीक है फाइंड आउट करते हैं, वो ऑफिस पापा के रिकॉर्ड जाके चेक किए, पता चला कि उनके डिमांड अकाउंट में अभी भी 50 लाख के शेयर्स है जो पूरी फैमिली को नहीं पता थी। 50 लाख्स, और 2017 में अगर आप फाइंड आउट करके 2022 में उसकी वैल्यू कुछ अबो 15 crore थी, जो भले उनके फादर ने अभी भी संभाल के रखा था, जो 50 लाख की थी, और वो वहां पे चीज मिली उनको। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगेन ऑलमोस्ट 1 और 1.5 ईयर के बाद अगेन दे कम टू अस एंड सेज कि मेरे पास और फिजिकल शेयर्स मिले हैं पापा के घर में, उनके जो भी जहां भी चीज रखते रहे थे, तो वो हम लोग ने फाइंड आउट किया, अगेन 50 लाख के फिजिकल शेयर्स मिले जो भी कन्वर्ट करना बाकी है। ओह वाओ, सो 1 crore ऑलमोस्ट, 1 crore तो आप तो आप समझ रहे हैं, जो जिनकी एज 65-70 के आसपास की है, अगर उनको ऐसी चीज मिले फाइनेंशियली वो कितने रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अभी मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी सेटल जाएंगे और ये भी मेरी जमा पूंजी चलती रहेगी। ग्रेट, हाउ डू यू, व्हेन यू, जैसे आपने बोला इसके हिसाब से अभी तो आपने वेबसाइट बना ली है, तो आपकी जो स्टार्टअप जो जर्नी थी जब भी आपके पास वेबसाइट मिलता उसके कोई किस्से कोई कहानी? उसमें बहुत सारी है। एक हमारे मेंबर ने फाइंड आउट किया था जिनके पास ग्रासिम के 15,500 शेयर्स, ग्रासिम के 15,500, तो वैल्यू आप अराउंड कर सकते हो कि करंट वैल्यू के हिसाब से कितनी होती है, और होल्डर की एज है, जब हम लोग ने मिले थे तो होल्डर की एज थी 98। ओके, उनके पास फिजिकल शेयर्स का कोई प्रूफ नहीं था। वी टेल देम कि आपके पास ये चीज है, देवर थिंक कि हाँ शायद किया रहेगा बट आइडिया नहीं है। विल टेल देम, वी इन्फॉर्म देम, बात किया, इनिशियली उनको ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है, कभी भी अगर आप किसी को भी बोलोगे ना आपके पास ये चीज है, बोलेगा मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है कैसे हो सकती है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं था।
इनिशियली हम लोग ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, जब कंपनी से रिवर्ट आया कंफर्म हुआ कि ये चीज है, देन दे थिंक हाँ तुम जो चीज बता रहे हो राइट है। अनदर स्टोरी इज लाइक कि एक फैमिली के पास हम लोग रिच आउट किए थे, उन्होंने मतलब पहले ना बोल दिया कि हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है। वी शो द रिकॉर्ड्स कि नहीं सर आपके नाम पे है, वेबसाइट थ्रू बताया था हम लोग ने, तो बोले कि स्टिल मुझे डाउट है तो मैं अपने पापा से बात करता हूँ। पापा ने बोला कि हाँ मैंने रिलायंस पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट किया था बट मुझे आइडिया नहीं कि वो अभी कहाँ पे। सो बहुत बार चीज ऐसी बनती है कि आपने कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है पर वो कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो जाती है, एक्विजिशन हो जाता है। तो रिलायंस पेट्रोलियम के बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे बट वो रिलायंस इंडस्ट्री में मर्ज हुआ है। जैसे आपको बोलो एशियन पेंट, आपको टैक्स वॉज द कंपनी इनिशियली, आपको टैक्स फिर एशियन पेंट में मर्ज हुई। जैसे वो ब्रुक बॉन्ड क्रेटी आती थी, ब्रुक बॉन्ड की थी, ब्रुक बॉन्ड टी मर्ज विद एचयूएल, तो एचयूएल के शेयर आपको मिलेंगे। तो हो सकती है कि कंपनी आपके पास पुरानी हो बट वो फिर वो किसने टेक ओवर किया तो आपको वो रेशियो वाइज नए शेयर्स मिलते हैं। अच्छा ओके, बट देन यू स्टिल गेट दोस, डेफिनेटली यस, ओके एंड कंप्लीटली योर्स फॉरएवर, यस। आर देयर एनी टैक्सेस जो आपको पे करना रहता है इसके ऊपर? सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब इंट्रोड्यूस किया था 2017 में किया था, तो उसके बाद अगर उस दिन का जो प्राइस है 1 जनवरी 2017 का, उस दिन के प्राइस के बाद जब भी अगर आप सेल आउट करते तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। ओके 2017 तक जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं। आपके पेरेंट्स ने लिया है उनके नाम पे था और आपके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे गिफ्ट हुआ। ओके तो वो जब भी गिफ्ट चीज होती है तो उसमें टैक्स पोर्शन नहीं आता। नहीं आता कि कम हो जाता है? That will depend upon. Honestly speaking, जब हम किसी को बोलते हैं फिजिकल शेयर्स तो उनको तो अभी भी ऐसे लगता है कि डिजिटल वाले एरा में आप फिजिकल वाली चीज कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फिजिकल होने के रीजन बहुत सारे हैं, मेनली चार रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिकल शेयर्स में क्यों रह गए अब तक, 1992 में दो चीज हुई थी, एक तो हर्षद मेहता और एक बम ब्लास्ट, ठीक है? Yes. तो हर्षद मेहता के केस में लोगों ने होप छोड़ दिया था, जब मार्केट क्रैश हुआ तो लोगों ने होप छोड़ दिया कि मार्केट वापस से ऊपर नहीं आएगा कभी। तो जिनके पास जो फिजिकल शेयर्स बच गए थे उन्होंने पोटली बांध के घर में रख दिए, वापस कभी निकाले नहीं। और कभी भी ऐसा हम भी कभी भी पापा को चैलेंज नहीं करते, पापा उसमें क्या है ना, हम लोग छोड़ ठीक है आपने रखे तो ठीक है, हम अच्छे बच्चे, हाँ हम अच्छे बच्चे हैं। तो रिजर्विंग वो चीज वैसी ही रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जानबूझ के पैसा नहीं बनता, अनजाने में बहुत अच्छा पैसा बनता है। लुकिंग एट द फिजिकल मार्केट, सो दैट्स द रीजन वो फिजिकल शेयर्स अभी भी रहेगी। सेकेंड रीजन वॉज लाइक बॉम्ब ब्लास्ट, तो बहुत सारे लोग ने शिफ्टिंग किया, जो टाउन में रहते थे वो अंधेरी साइड आ गए, अंधेरी में रहते तो वो अलग अलग जगह पे बैंटर में शिफ्ट हो गए। तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग प्रोसेस जो चीज मिली वो चीज शिफ्ट हो गई। थर्ड रीजन, जिन्होंने 80s 90s में इन्वेस्टमेंट किया ना उनकी एज ऑलरेडी 40 30 के आसपास थी, आज वो चीज को 30 35 साल हो चुके हैं। करीबन आप मान के चल सकते हो कि लोगों की एज 75 80 के आसपास रहेगी। मुझे ऐसा 5 साल पुरानी चीज याद नहीं रहती है, लोगों को 30 साल पुरानी चीज वैसे भी याद नहीं रहती। एज वॉज द सेकेंड कंसेप्ट, लोग अवेलेबल वो नहीं है, हाल में हाजिर नहीं है, कईयों की डेथ हो चुकी है, तो लोग चले गए तो उनके साथ उनके राज भी चले गए। ये थर्ड रीजन था। फोर्थ रीजन वाज लाइक कि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल शेयर्स हैं। आपको छोटा सा इसमें एक इंसिडेंस दे देता हूँ कि एक क्लाइंट को फिजिकल शेयर्स मेरी वेबसाइट से मिले, उनको लगा कि उनके पास अभी भी कुछ है, एक बड़ा सा झोला भर के वो फिजिकल शेयर्स ऑफिस में लेके आए। ओके टाइम नहीं है, लेजीनेस भी है, आप मान के चलो कि लोगों के पास लेजीनेस है कि भाई अभी इस चीज को आप इस पुरानी चीज को कौन खोल के निकाल के चेक करें। तो फोर्थ रीजन इज मोस्ट लीनियंट बिहेवियर, तो अभी भी इसलिए फिजिकल शेयर्स है। रियली? या पीपल वुड बी दैट लेथार्जिक टू गो थ्रू देयर शेयर्स? मेरे को एक याद है, आई थिंक बकेन आई वो क्लीनिंग माय ओल्ड होम एंड आई हैड फाउंड अ डीसीबी का शेयर। ओके वो वेरी एक्साइटेड हो रहे फिजिकल शेयर है, मैं तो क्या क्या सोच रहा था। Turned out to be only 5 shares, but that was an excitement for me. I went through heights just to find, kare, wow, itne sare shares and this and that.
एंड हियर यू आर टेलिंग मी के लोगों के पास करोड़ों के शेयर्स बाकी एंड पीपल आर बीइंग लेथार्जिक फॉर इट. उनको वैल्यू नहीं पता, कागज है बट वो कीमती है कि नहीं वो नहीं पता. सो कागज को अगर कीमती बनाना है या तो कीमती है कि नहीं वो चेक करना है, कीमती कागज के पास आएंगे. दैट्स वंडरफुल. ओके ग्रेट. सो व्हेन यू कमिंग टू द आईपीएफ प्रोसेस दैट यू स्पोकन अबाउट, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट. सो आईपीएफ लॉ बना था इन ईयर 2000, बट व्हाट इज आईपीएफ? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. ओके. सो लॉ वॉज मेड इन 2000, इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में. ओके. हमें भी आइडिया नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो इसका मेन पर्पस है कि अगर इन्वेस्टर को उसका डिविडेंड अमाउंट नहीं मिलता है फॉर 7 कंसेक्यूटिव इयर्स, एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड इश्यू करती है, तो शेयर्स और डिविडेंड दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे. सो व्हेन वी डू द प्रोसेस, जब भी हम आईपीएफ का प्रोसेस करते हैं तो आपको शेयर्स और डिविडेंड दोनों चीज मिलेगी. ओके. प्लस जब से आपने लिया तब से लेके अभी तक जितने भी बोनस होते हैं, स्प्लिट्स होती है, सारी चीज आपको बकायदा वापस रिटर्न आती है. प्रॉपर रिटर्न. प्रॉपर रिटर्न. अच्छा. कैन दिस इज थ्रू आईपीएफ प्रोसेस? आईपीएफ और नॉन आईपीएफ दोनों केस में आते हैं. अच्छा, दोनों इसमें आते हैं. तो नॉन आईपीएफ इन द सेंस आपको मैं बोल दूं कि कंपनी कभी कभी, हर कंपनी ऐसी नहीं थी कि हर साल डिविडेंड देती है. तो कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती. तो नॉन आईपीएफ भी हो सकता है. नॉन आईपीएफ में टाइम कम लगता है. आईपीएफ में जनरली आप 2-3 साल का टाइम पकड़ के चल सकते हैं. ओके ग्रेट. दैट्स फाइन. And usually again this process is 2-3 years taking given. Yes, yes, yes. Okay, great. What is your future plan? Because there are still, आपने जैसे बताया कि 25 लाख 50 लाख लोगों के नहीं, आपके पास खुद 10 लाख का डेटा है जिसको आप वेट कर रहे हो. तो what is your future plans? आपने कुछ सोचा है कि आप कैसे उनको रीच आउट करें? Because सब तो आपसे रीच आउट नहीं होने, 10 लाख लोग हैं. तो आपने सोचा है आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? I suggest कि generally ये सारी queries जब भी आती है तो CA, लॉयर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग के पास ये काइंड ऑफ क्वेरीज आती है. तो जितने भी ये इन्फॉर्मेशन उन तक अगर पहुंचाते हैं कि भाई ये सारी चीज भी है, आपके पास फिजिकल शेयर्स हो तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो आप वेबसाइट पे आके गो थ्रू करके आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो जितने लोगों में अवेयरनेस होगी, एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग है एटलीस्ट वो तो हम कवर करें. तो जितनी अवेयरनेस क्रिएट होगी उतना ज्यादा अच्छा है. अच्छा. ओके. एंड हाउ अबाउट द फैक्ट वेयर जो सीए म्यूचुअल फंड और द फाइनेंस वाले जो है, हाउ कैन दे बी अ गुड कनेक्ट दो? लाइक उनको वुड दे आस्क देयर क्लाइंट्स के भाई आपके पास है फिजिकल शेयर्स? हाउ वुड दे नो? क्लाइंट्स ही उनके पास लेके आते हैं, क्योंकि अगर सपोज एज अ लेमैन जैसे मैं हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता है. तो मुझे क्या लगता है, जो बंदा ये इंडस्ट्री में उसको ज्यादा पता रहेगा. तो जब भी हमारे पास कुछ अगर कागज आते तो हम लोग सीए के पास जाएंगे. अगर कुछ मार्केट रिलेटेड चीज होती है तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे. तो जब भी उनके पास आती है तो वो भी एक चीज नहीं कैटर करती. रीजन बीइंग दिस इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी. तो मेहनत लगती है, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क लगता है, वो भी ये चीज प्रेफर नहीं करते. वो प्रेफर करते कि जो पर्सन एग्जैक्टली करता है उसको वो हैंडल करते. सो दैट कैन बी अ गुड कनेक्ट फॉर अस. अ गुड कनेक्शन फॉर यू. बट यू नो व्हाट आई वुड थिंक हियर इज दैट लेट्स से इफ आई फाइंड यू नो 50,000 शेयर्स ऑफ एजिंग थिंग्स और रिलायंस, राइट, मेरे को पता है मेरे पास है, पर मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि मैं आपके पास आके दो और आप भूल भी हो जाओ? सी आफ्टर 2017 और 18 और फिजिकल शेयर्स जब भी आपके आपके नाम पे, वो आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर ही नहीं सकते. ओके. नहीं, बट व्हाट इफ देयर नॉट ऑन माय नेम? तो ये जो अगर मेरे पास पड़े हुए, वो पोटली पड़ी थी, वो पोटली में से निकला, अभी ऑफ कोर्स फादर पास अवे ना, वो पोटली हमने खोली तो उसमें से निकले. तो ऑफ कोर्स दोस आर नॉट ऑन माय नेम, नो राइट? वो तो फिर अभी मेरे फादर के नाम पे या मेरी मदर के नाम पे. सो हाउ डू आई गेट द ट्रस्ट के भाई मैं कीमती कागज के साथ जाऊंगा तो कीमती कागज विल डू एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट आई गेट दिस बैक इनटू माय अकाउंट. सो इसमें कीमती कागज का रोल लेटर ऑन आएगा. इसमें पहले फैमिली का इंटरवेंशन पहले आएगा. सो आपके पापा के नाम पे तो एज अ फैमिली द वन पर्सन विल बी असाइन किसके नाम पे जाना चाहिए. ओके. माय मदर. देन ठीक है, तो बाकी के लोग के पास एनओसी आएगी. ओके. ठीक है, मदर के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस सारी हम करते हैं. ओके. तो इसमें एज अ ट्रस्ट फैक्टर अगर आप बोलोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रस्ट करना पड़ता है क्लाइंट्स पे. ओके. कि भाई उनका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस. दिस प्रोसेस विल टेक 1-3 ईयर का टाइम लाइन. ओके. एक बार अगर प्रोसेस में हाफ ईयर पहुंचे फिर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अगेन हमको वापस बैक टू जीरो से स्टार्ट करना होता है. अच्छा. सो दैट इज द वे वी विल वर्क ऑन. Okay, but then again, it's here the thing I would like to know is that when I'm giving it to you, what
mix, what is the reason why would I want to select Kimti Kagaz only? Are there other players in market? There are few players are also in market, but majorly people are from Gurgaon, Delhi, Okay. Kolkata based. Okay. In Mumbai, we are very few. Achha, you're very few. Yeah. Okay. So you're one of the major players in Yes. Mumbai who's doing this. We are the only in Mumbai who is having a physical shares website. अच्छा फिजिकल शेयर वेबसाइट पर ग्रेट ओके जहाँ पर जाके वो डेटाबेस सर्च कर यस सकते हैं यस तो वहाँ जाके लाइक हाउ डू आई सर्च आई आर गुरु कीमती कागज डॉट कॉम में तो वहाँ जाके मैं कैसे सर्च करूँगा कि डू आई जस्ट पुट माय नेम ऑन टू इट और डू आई पुट माय फादर्स नेम आप प्रिफर कर सकते हो। कई बार ऐसा हुआ भी है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, ओके तो इट कैन बी योर नेम ऑल्सो, योर पेरेंट्स नेम ऑल्सो। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल प्रिफर करता हूँ, हर्षद मेहता का। ओके वी गोना गो बैक टू हर्षद यस, मेहता सो आप हर्षद फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम विल बी द मेहता। आप हर्षद मेहता करके सर्च करोगे, देन यू सर्च, यू विल गेट द लिस्ट। ओके अब इसमें सेकेंड डाउट ये आता है कि हर्षद मेहता ही कौन सा हर्षद मेहता है, ठीक है। सो देर कैन बी अ नेम, फादर नेम ऑल्सो, तो आप प्रिफर कर सकते हो शांतिलाल मेहता, जो भी रहेगा वो हर्षद मेहता के रिलेटेड रहेगा। ओके किसी और के नाम पे तो एग्जैक्टली वो तुम्हारे फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एड्रेस आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये एड्रेस ये है जो आप 30 साल पहले वहां पे रहते कि नहीं रहते। एटलीस्ट यू कैन प्रिफर बाय सर्चिंग एटलीस्ट मेहता फैमिली इन बोरीवली, ओके मेहता फैमिली इन दिल्ली, तो दिल्ली में जितनी भी मेहता फैमिली है आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा सो वेरिफिकेशन, वी डू वेरिफिकेशन कि भाई एग्जैक्टली सही पर्सन के नाम पे जा सही शायद जा रहे रहा है कि नहीं जा रहा है। उनको वो मिलेगा वो तो फॉर श्योर है कि उनको 2 साल बाद उनको मिलने वाला है। लोगों के राइट हैंड में जा रहा है वो मुझे टेक केयर करना वो टेक केयर करना। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी वी वोंट टेक नेम, पर अभी से सब जिससे मिले उनका नाम हम देखे तो 9 सेटिंग 3 पेजेस भर के उनका नाम आया, हाँ, ओके विल टेक हर्षद मेहता। हाँ, तो हर्षद मेहता अगर 3 पेज भर के आया, अगर हो सकता है कि उसके अंदर बोरीवली में दूसरे शायद 2 पेज भर के बोरीवली में, तो वो आप कैसे टेक केयर करते हो कि वो सही बंदा है, सही बंदे के पास जा रहा है? व्हाट इफ सम हर्षद मेहता कम्स टू योर वेबसाइट, ये हर्षद मेहता ही कम्स एंड देन मे ही हर्षद मेहता, हाउ डू यू प्रोसीड विद दैट? बिकॉज सी लाइक यू सेड के पर्सन मूव्स, मैं खुद मेरी लाइफ के अंदर 2015 से लेकर अब तक 3 या 4 बार मूव हो चुका हूँ, राइट। सो ऑफकोर्स आई लेव दोज हाउसेस, अभी व्हेन आई मूव फोर्थ टाइम तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फर्स्ट वाला मेरे को पहचान पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बिन सो मेनी ईयर्स। मैं अगर लेकर आऊँ या वो हर्षद मेहता आपके पास लेकर आएंगे, मेरा अकाउंट है, मेरे पप्पा यहाँ रहते हैं या ऐसा रहता है, हाउ डू यू जज दैट और हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर? ओके सो वेरी गुड क्वेश्चन, और ये चीज हमारे साथ हुई भी है 2-3 बार। सो आई कैन टेक अ नेम, बट उन्होंने अपने नाम से प्रिफर किया था, विल कॉल हिम हर्षद मेहता। आपको फर्स्ट नेम तो मिल गया, सेकंड होल्डर अगर थर्ड होल्डर अगर रहेगा वो आपके पास नाम नहीं, अगर नाम है भी तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हमको स्टार्ट करने होगी। अगर 3 होल्डर है तो इट्स नॉट लाइक कि 2 होल्डर के नाम से आप प्रोसेस कर सकते, आपको तीनों तीन होल्डर के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। मान लीजिए कि तीनों तीन होल्डर के आपके डॉक्यूमेंट्स भी अगर मैच हो रहे तो वेल एंड गुड। आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होता है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ वो टाइम का था वो आपको एड्रेस प्रूफ अभी फर्निश करना होगा, देना होगा, ओनली व्हेन वी कैन गो एंड। ओके तो जब तक हम वेरीफाई नहीं कर पाते कि भाई वो राइट पर्सन है कि नहीं, हम लोग आगे प्रेफर नहीं करते। तो ये काफी हद तक सिक्योर्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली आके मुझे पता है मेरे फिजिकल शेयर्स है या आई फाइंड के भाई ये पर्टिकुलर हर्षद मेहता को मैं जानता हूँ, आई कैन नॉट जस्ट गो एंड स्कैम इट। स्कैम करना यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत लेस है, हम जैसे इन दिस पॉइंट ऑफ स्पेशली व्हेन कीमती कागज इज देयर, तो देयर थप्पा लगा के एकदम सिक्योर करके आपको पहुंचा रहे हैं, मतलब प्रोसेस इज अगेन 2 to 3 years long। यस कैन और सिक्योर है एंड सिक्योर है, कैन इट बी शॉर्टेड बाय एनी चांस? नो नो इट कैन नॉट बी शॉर्टेड। ओके व्हाट इज समथिंग दैट पीपल आर येट वेटिंग फॉर व्हेन इट कम्स टू कीमती कागज, सम काइंड ऑफ फ्यूचर प्लान्स दैट यू हैव? फ्यूचर प्लान इज लाइक माय आवर एम इन इज लाइक कि लोगों को अब तक पता नहीं है और देयर इज अ ह्यूज अमाउंट व्हिच इज अनक्लेम। सो हाउ मच इज इट ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द अकॉर्डिंग टू आईपीएफ डेटा 2023 प्लस 25,000 करोड़, ठीक है, वाओ, व्हिच इज इन आईपीएफ। ओके सो सोचो कि अगर आईपीएफ में नहीं गया है वो भी बहुत सारा है, बहुत सारा, यस। सो रफली यू कैन प्रेफर 50,000 करोड़, और देयर इज वन आर्टिकल व्हिच इज पब्लिश इन लीडिंग न्यूज़पेपर, जब उन्होंने बताया 1% ऑफ कैपिटल मार्केट इज स्टिल देयर, इंडियन कैपिटल मार्केट इज 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन का 1% भी प्रेफर करोगे तो फिर भी अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यस एब्सोल्युटली,
दैट्स क्रेजी यार, यू नो आई कैन ओनली इमेजिन राइट नाउ के कितने लोग ये चीज के साथ फायदा उठा सकते हैं और क्या चीज कर सकते हैं. कीमती कागज इज देयर टू हेल्प देम. आई होप दैट यू नो पीपल आर एबल टू फाइंड यू एंड मोर देन दैट आई थिंक यू कैन हेल्प देम आउट के भाई आप उनके करोड़ों की जायदाद उनको पहुंचा सके. सो अगर आप लोग देख रहे हैं ये एपिसोड एंड यू गाइज वॉन्ट टू नो हिज वेबसाइट इज फ्री. यस राइट. कुछ चार्जेस नहीं है उसके ऊपर. नहीं फॉर सर्चिंग देयर इज नो चार्ज. नो चार्जेस फॉर सर्चिंग. जाके अपने परदादा के दादा के जिसके भी नाम निकाल सकते हो निकालो, फाइंड आउट करो और देखो कि अगर आपके पास कोई जायदाद है जो आप शायद पुल कर सकते हो. एंड कीमती हितेश कैन हेल्प यू आउट विद हिज टीम टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग विच इज कम्प्लीटली सिक्योर एज ऑफ राइट नाउ बिकॉज फिजिकल शेयर्स आर देयर और उनको भी पता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये है. बट लोग शायद कतरा रहे. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग शायद कतरा रहे बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर इज द मेजर पार्ट इसके अंदर. क्योंकि आई थिंक उन लोगों ने इतने धोखे खाए होंगे या फिर जो स्कैम्स हो जाते हैं आज की तारीख में. जैसे वो आपने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप रीच आउट कर रहे हो, अरे भाई है आपके पास नहीं, बोले ये बोले ये मावा दिखा के बोले हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे. सो यू नो दैट सिनेरियो इज देयर. कमिंग टू दिस, ये सिनेरियो कुछ हुआ है ऐसा कुछ, ऐसा प्योर स्टोरी है कि नहीं? आपको माना ही नहीं है बंदे ने, बोले नहीं हो ही नहीं सकता. हाँ एक दो किस्से हमारे साथ हुए हैं, मेरे मेंबर के साथ भी हुआ है. व्हेन वी रीच आउट टू द पीपल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी गार्ड ही अलाउ नहीं करते. दिस इज कि वो पर्सन वहां पे रहते ही नहीं. हाँ राइट. बिकॉज एड्रेस जो है वो 20-30 साल पुराना है. सो उनको ऐसा लगता है कि वी आर लाइक कि हम लोग उनको पैसे मांगने के लिए आए. अच्छा, क्योंकि हाँ यूजुअली कलेक्टर्स ऐसे ही आते हैं ना, झूठ बोल के अंदर चले आते हैं. हाँ. सो जबकि हम पैसा उनको देने जा रहे थे कि भाई आपके नाम पे आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको पता नहीं है. सो देर आर मेनी केसेस और हम लोग ने ऐसे बहुत सारी ठोकर खाई है. सो यू हैव ट्राइड दैट कि आप जाके ये लोगों को ढूंढे और करें. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन लाइक यू सेड बिफोर दैट कि कीमती कागज वाज बोर्न बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. यस यस ग्रेट. या सो यू नो व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दीस ग्रेट ग्रेट थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑफ कोर्स बहुत एक नीति का काम है. आपके लिए भी डिफिकल्ट तो होता होगा. हां डिफिकल्ट ज्यादा होता है. डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट यू वेंट थ्रू और डिफिकल्ट केसेस आई वांट टू आस्क यू. डिफिकल्ट केसेस काफी आए. सो आई टेल यू वन केस वाज लाइक हमारे पास सर्टिफिकेट्स आए. तो सर्टिफिकेट्स में तीन होल्डर, तीनों तीन के फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम मिडिल नेम कुछ नहीं. नाउ वी हैव टू प्रूव कि ऑल दीस थ्री पीपल आर द सेम एंड उनके डॉक्यूमेंट्स में उनका फादर और सन नेम और फर्स्ट नेम तीनों तीन चीज है. बट वी हैव टू प्रूव कि तीनों तीन वो एग्जिस्टिंग पर्सन है. उसमें और एक डिफिकल्टी ऐड हो गई कि फर्स्ट होल्डर वॉज उसके पापा थे जो अभी है नहीं, तो डेथ सर्टिफिकेट में भी पूरा नाम है. और बाकी के दो होल्डर के नाम पे हमको प्रोसेस करना था. वी हैव डन. और एक डिफिकल्टी केस, लोगों के यूजुअली फर्स्ट नेम चेंज थोड़े बहुत होते हैं. राइट. किसी के सरनेम चेंज तो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो फिर नहीं होती है. हमारे पास एक केस आया था जिनका सरनेम वाज फॉर एग्जांपल शर्मा है और उनका एक्चुअली सरनेम था शुक्ला. तो और एक एग्जांपल अगर आपको मैं प्रेफर करूँ तो उनका सरनेम था शाह और सर्टिफिकेट पर था कुठिया. वी हैव टू प्रूव बोथ आर द पर्सन सेम फैमिली. वी हैव डन इट. सो और एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है. आई टेल यू कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जय श्री कृष्ण. हाँ. तो जय श्री कृष्ण होता है, बहुत बार कृष्णा बोलते हैं. हाँ. तो कृष्णा फिर वो द्रौपदी होती है जब हम मैथोलॉजी में आते हैं. कृष्णा जब हम सर्टिफिकेट पे थे तो फीमेल होती है. मनीष और मनीषा. तो मनीषा बोलोगे तो फीमेल हो गया, मनीष बोलोगे तो मेल हो गया. तो ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग प्रीत और प्रीता. तो ये सारे केस हमारे पास आते हैं, हमको प्रूव करना होता है कि दिस एंड दिस पर्सन आर बोथ आर सेम. पर ये सारी चीज होती है. ओके सो यू हैव योर वेज ऑफ केस आने के लिए कर सकते हो. ओके सो लेट्स से फॉर राइट नाउ राइट मितेश, व्हाट आई वुड आस्क यू इज के अगर समझो कि मैं एक ट्रेडर नहीं हूं. ओके और मुझे ये फिजिकल शेयर्स मिलते हैं एंड आई वुड वांट टू गो इनटू दिस जर्नी, तो वुड यू रेकमेंड? डेफिनेटली यस. आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स नहीं है डीमैट में, सो आप उसको डेली चेक करोगे? नहीं, मैं आई थिंक एवरी आवर चेक करूंगा. आज 1 रुपया बढ़ा, अभी 1.5 रुपया बढ़ा.
देयर यू आर डूइंग मिस्टेक ओके बिकॉज़ फिजिकल शेयर्स में भी और मार्केट में भी पैसा उसका ही बना है जिसने पेशेंस के लिए वेट किया जनरली अगर इफ सपोज आई आस्क यू कि आपके घर में कोई बच्चा है या आई हैव अ किड आप उसकी डेली हैव अ नीस ओके आप उनकी डेली हाइट चेक करते हो नो नॉट रियली बट आप डेली हर आर जैसे आपने बोला हर आर में आप पोर्टफोलियो चेक करते हो बिकॉज जनरली थिंग्स डेफिनेटली विल ग्रो बट उसको जरूरी नहीं कि आपको हर जगह पे हर टाइम पे जाके रीचेक करना चाहिए जी गिव अ टाइम पेशेंस में उस पर वेट करो इट विल डेफिनेटली विल ग्रो अगर आपने चीज अच्छी की है तो डेफिनेटली ग्रो करेगी ओके सो आई हैव टू कीप पेशेंस लिसन टू द राइट पीपल यस क्योंकि दैट इज द राइट थिंग देयर आर न्यूज चैनल्स दैट वी कैन गो एंड टॉक अबाउट यू नो वेयर लोग बोलते हैं बाय करो तो शायद नहीं करना चाहिए हर चीज नहीं सुननी चाहिए to keep a good financial wealth manager it's a good thing to have yes and would you provide as from Kimti Kagaz would you provide those guidance ke agar aapko jaise maine physical shares aapne mere ko convert kara ke diye abhi of course let's say I had 10 lakh rupees only and here you come ke bhai ye lo 1.5 crore rupees abhi there is a possibility ki shayad mujhe wo invest karna hai so would you guide them ke bhai okay here is the way you can invest or would you guide them to a right financial advisor how would you take that process we definitely guide them because financial being in a financial market hamara pehla priority rehta hai ki aapke finance ko aapke money ko secure karke rakhe okay so we will guide them accordingly their preferences acha depend upon their preference risk appetite duration kitne time tak rakhna hai so depend upon their preferences hum unko guide karte hain acha so aap khali paise de hi nahi dete you aap unko guide bhi karte ho ki acha aapko isko yahan invest kar sakte ho yes okay so you have a procedure for that and how do you take that further it will depend upon the profiling first of all first of all hum log identify karte hain but during process only jab hum process karte hain during process of we come to know ki bhai ye particular client ki ye particular investor ki methodology kya rahegi aage jab bhi unko demat mein aayegi shares unki kya rahegi but depend upon their mutual funds ho equity ho उनका क्या प्रेफरेंस है वो प्रेफर कर सकते हैं टॉकिंग अबाउट इक्विटी में तो इक्विटी में भी अगेन वेरियस एस्पेक्ट बन जाते हैं उनका प्रेफरेंस लार्ज कैप स्टॉक्स है मिड कैप है स्मॉल कैप है तो वो हम उनको गाइड करते हैं कर सकते हैं ना अपने जो कैपिटल गेन टैक्स की बात होती है ना यू नो हाउ इट हैपेंस कि अभी जैसे मैंने शेयर्स में अकाउंट में आ गए और मैंने डिसाइड किया कि ओके मुझे वापस री इन्वेस्ट कर देना मुझे रखने नहीं तो डू आई स्टिल हैव टू पे द टैक्स दैट इट्स देयर Yes, I still have to do that. वो अगेन वो आपका सी ए एक बार उनको गाइड कर देगा हाउ इट कैन बी प्लेस और टैक्सेस कैसे रहते हैं कि फुल जो 1.5 करोड़ रुपीस के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर रहेगा एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर एक पर्टिकुलर डेट है उस डेट के आसपास अगर वो चीज आती है उसके बाद का जो अमाउंट ग्रो हुआ उस पर आपको टैक्स लगेगा अच्छा तो द होल 1.5 CR पे तो नहीं नहीं आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर तो उसके ऊपर आई एम नॉट पेइंग द होल टैक्स सो देयर इज अ सर्टेन स्लैब वो चीज भी आप उन्हें बताओगे कि अच्छा यहाँ तक था यहाँ से यहाँ तक आपको टैक्स बनना yes. okay, would that come up to your CA that you have to come up to? CA आपको गाइड कर देगा that would be a better person okay अगर मुझे ये सेम पूरा अमाउंट जो है अगर मुझे स्टॉक में री इन्वेस्ट करना है तो क्या होंगे would that be a good idea yes that would be a good idea because stock is going to grow and it can give me a good gains again definitely yes क्योंकि आपको पैसा मिले कहाँ से स्टॉक से स्टॉक से मिले right. और पेशेंस लिए आपने वेट किया था आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था तो आगे भी और सी एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट इज एट अ वेरी स्वीट पॉट ठीक है सो यहाँ से वी आर लुकिंग एट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर ऑल्सो सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इट कैन यू शुड स्टे इन्वेस्टेड अगर नहीं है तो प्लीज इन्वेस्ट करो ओके स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट इन्वेस्ट ओके अभी डिजिटल हो गया तो ऐसा भी नहीं है कि आप पोटली बांध के किधर डाल सकते राइट लाइक इट हैज टू बी ऑनलाइन एवरीथिंग इज ऑनलाइन बट You should have a good investment. You should have a good backup. And सबसे important जो आपने बताया जो शायद बहुत कम लोगों के पास है is patience. Patience. So when it comes to patience, आप आपका पैसा grow करा सकते हैं. And that could be one of the way of making a long term money. Right? Yes. Yes. Well, I hope आपने सारा जो आज का content था enjoy किया होगा और आपको बहुत सारी सीख मिली होगी. And I hope सीख के साथ साथ आपको बहुत सारे physical shares भी मिले होंगे. और नहीं मिले हैं तो जैसे सर ने कहा कि आपको ये दिवाली में साफ सफाई के साथ साथ जो पोटलियां नहीं खोली है जो वो ऊपर पड़ी है उन्हें आप निकालो वो पोटलियां खोलो शायद हो सकता है आपको एक जैकपॉट लग जाए बट आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस कंटेंट एंड हितेश एनी
final word of advice to our audience who is watching this? Definitely. आप अपने फैमिली को फाइनेंस के प्रति डेफिनेटली जागरूक करिए. जो हम लोग ने केस देखे कि पहले लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और आज जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो जब पहले करते थे तो हम अवेयरनेस नहीं रखते थे अपने फैमिली में. आज हम करते तो हमारे मोबाइल में ही करते, तो हमारे फैमिली को भी नहीं पता होता कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है. बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपना चेक करना है अपनी फैमिली का, तो आप www.kimtikagaz.in पर जाके चेक कर सकते हैं. कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च कर रहे हो हर्षद मेहता के नाम से, तो हर्षद और मेहता आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हो. आपको सिर्फ चेक करना है कि मेहता फैमिली में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल पाली, तो आप मेहता डालोगे और पाली डालोगे आपको वैसे मिल सकता है. मेहता और मुंबई आपको वैसा ही मिल सकता है. तो यूनिक कॉम्बिनेशन आप प्रेफर कर सकते हो. आप तीन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन में अगर आप सर्च करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा. यू कैन वेरीफाई बाय लुकिंग एट फादर नेम, यू कैन लुकिंग एट एड्रेस ऑल्सो.